कि कल अरविंद केजरीवाल जी की विकासपुरी में हो रही पदयात्रा पर भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने हमला किया। आप सब लोग उन लोगों के फेसबुक और इंस्टाग्राम के प्रोफाइल्स में जाके देख सकते हैं। एक आदमी जिसने हमला किया उसका नाम रोहित शेहरावत है और वो भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा दिल्ली प्रदेश का उपाध्यक्ष है। उसका नाम है रोहित शेहरावत। जो दूसरा लड़का था उसके अंदर, वो भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा दिल्ली प्रदेश का जनरल सेक्रेटरी है, अरुण दराल, यानी कि प्रदेश स्तर के युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने अरविंद केजरीवाल जी की पदयात्रा पर हमला किया। ये अब तक की राजनीति के अंदर, दिल्ली के की राजनीति के अंदर सबसे निम्न स्तर की राजनीति पर भारतीय जनता पार्टी उतर आई है। अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी कुछ लोगों को प्रलोभन देके ही आम आदमी पार्टी की सभाओं के अंदर या पदयात्राओं के अंदर गड़बड़ी कराती थी, बट मुझे लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी से लोग इतना नाराज और उकता गए हैं कि उनके प्रलोभन देने पर भी कोई उनकी बात नहीं मान रहा, इसलिए अंततः उनको अपने पदाधिकारियों को ही कहना पड़ा कि तुम ही जाके जो है शर्ट फाड़ लो अपनी अरविंद केजरीवाल की सभा के अंदर। ये बहुत शर्मनाक है। और जिस तरीके से दिल्ली पुलिस के एक उच्च अधिकारी इन भारतीय जनता पार्टी के असामाजिक तत्वों के साथ बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, उनके आगे हाथ जोड़ के खड़े हैं, इससे पता चलता है केंद्र सरकार से लेकर भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा तक की मिली भगत से इस हमले को अंजाम दिया गया। और जिस तरीके की धमकियां आ रही हैं, जिस तरीके के उनके वीडियोस आ रहे हैं, इससे साफ है कि वो आगे भी अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर हमले करवाएंगे। अपने पदाधिकारियों को वीरेंद्र सचदेवा और विजेंद्र गुप्ता जनता बता रहे हैं, यानी कि जनता जिसको वो समझ रहे हैं वो उनके ही पदाधिकारी हैं, यानी कि जनता उनके पास नहीं आ रही, उन्हें पता ही नहीं जनता कौन है। अपने पदाधिकारियों को जिनके फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल अभी भी मौजूद हैं, उन पदाधिकारियों को जनता कह के दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश चल रही है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी बहुत डेस्परेट है और डेस्परेशन में इस तरीके के हमले अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर कराए जा रहे हैं। आपने झूठे मुकदमे कर लिए, आपने 2 साल से हर तरीके की बदनामी कर ली, हर तरीके का आरोप लगा लिया, कैंपेन चला लिया, जेल भेज लिया, जेल से वो फिर वापस आ गए, आपने जेल में उनकी हत्या करने की कोशिश की, उनकी दवा बंद की, तब भी कुछ नहीं हुआ। आज अंततः अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के जो भी बड़े बड़े नेता मंत्री जेल गए, सब बाहर आ गए और अब सब लोग चुनाव प्रचार के अंदर लगे हुए हैं। इसको देख के भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है और उनकी घबराहट इस चीज से साफ दिख रही है। जो पार्टी हार रही होती है उस पार्टी के लक्षण है कि वो विरोधियों के ऊपर हमले कराती है। या किसी भी चुनाव के अंदर पता कीजिए, जब आदमी हार रहा होता है तो डेस्परेशन के अंदर जो है इस तरीके के हमले कराता है। इसकी भारतीय जनता पार्टी को आलोचना करनी चाहिए थी। विजेंद्र गुप्ता, वीरेंद्र सचदेवा, इन सबको इसकी आलोचना करनी चाहिए थी, इनको माफी मांगनी चाहिए थी कि हमारे युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने ऐसा किया, हम माफी मांगते हैं। मगर उसके बावजूद
वे लोग माफी नहीं, वे इस बात को सही ठहरा रहे हैं, वो कह रहे हैं जनता कर रही है। ये बहुत शर्मसार करने वाली बात है। मैं मानता हूं दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी में भी ऐसे लाखों लोग होंगे जो इस तरीके की हरकत को एक कायराना हरकत मानेंगे और वो कहेंगे भारतीय जनता पार्टी से कि आप जो कर रहे हो ये बहुत ही कायरों वाला काम है और भारतीय जनता पार्टी को ये चीज जो है शोभा नहीं देती है। ये जो है अरुण दराल जो हैं, इनके सचिव हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, इनका ये इंस्टाग्राम का प्रोफाइल है। कल खुद ही मैंने सर्च करके इंस्टाग्राम पे इनका प्रोफाइल देखा था और खुद ही मैंने ये जो है मेरे ही फोन से ये स्क्रीनशॉट निकला हुआ है। अरुण दराल, पॉलिटिशियन, स्वयंसेवक, महामंत्री, दिल्ली प्रदेश युवा मोर्चा, भाजपा प्रत्याशी, वार्ड 35 मुंडका, यानी कि वार्ड 35 मुंडका से चुनाव लड़के हारे भी हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के। जो आदमी शर्ट उतार के नंगा नाच रहा था पदयात्रा में, वो ये आदमी है भारतीय जनता पार्टी के काउंसलर का प्रत्याशी और इनके युवा मोर्चा का जनरल सेक्रेटरी, महामंत्री। और जो दूसरे महान आदमी है वो रोहित शेरावत है, इनका भी प्रोफाइल जो है आप देख सकते हैं इंस्टाग्राम पे। उपाध्यक्ष युवा मोर्चा दिल्ली प्रदेश भाजपा, निगम पार्षद उम्मीदवार 2017, वार्ड 19 एस रणहोला। तो जनता द्वारा नकारे गए दो नालायक भारतीय जनता पार्टी के कपूत ये हैं, जो काउंसलर का चुनाव नहीं जीत पाए वो तीन बार के जीते हुए मुख्यमंत्री के आगे नंगा नाच कर रहे हैं, क्योंकि नंगा नाच करने के अलावा इनके पास और कोई चारा है नहीं। नंगा तो इनको जनता ने इनके चुनाव में कर ही दिया है, अब तो सिर्फ नाच रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।